गाइस, गुड मॉर्निंग सबको। सब कैसे हो? ठीक होने चाहिए, और तूफानों से बच गए। रात भाई इतना बड़ा तूफान था, बहुत बड़ा। चलो इतना सारा तो बारी बारी में भी उठा के बाहर फेंक दिया था, इतना बड़ा तूफान आया था। और बारिश भी बहुत थी हमारी, थी तरह आपके भी होनी चाहिए बारिश, क्योंकि ये सारी जगह पर बता रखे हैं ना। तो अभी शायद मेरे को लग रहा है कि मेरे कपड़े भी उड़ेंगे। देखो मैंने कपड़े धो के सुखा रखे हैं, तो इसलिए मैं कपड़े ना उड़ जाए भाई। तो मैं धूप में आई हुई हूँ एक बार, तो अब आई हूँ अंदर, क्योंकि बहुत ज़्यादा धूप है, कपड़े उड़ रहे हैं, हवा चल रही है ठंडी। तो क्या करूँ, तो मैं आज बना रही हूँ बैंगन का भरता। तो आपको मैं बैंगन दिखाऊं कितना बड़ा, एक ही दिया उसने रामजादे ने, एक ही दे दिया। अरे नहीं मैं बनाना था। ये रही बैंगनी, ये बैंगन है, बैंगनी नहीं है, बैंगन है ये, देखो। तो एक ही दे दिया उसने पागल ने, तो उससे भी बड़े बड़े थे भाई। तो प्याज हरी मिर्च इनकी ना के, और इसको भूंद के अच्छे से। अगर हमारे पास वैसे तो है चूल्हा गूंदने के लिए, इसको तंदूर भी है, लेकिन उसमें ना लकड़ी है ना जो वो नीम की है, तो उससे ना ये कड़वा हो जाएगा, इसलिए इसमें तो इसको ना गैस पे करना पड़ेगा, जो कुछ भी इसके इसको गूंदना पड़ेगा। तो पहले इसको धोएं, वॉश करें, फिर इसको काट के धोना पड़ेगा, काट के। ऐसे तो बड़ा ही बहुत है ये, गैस भी इतना बाहर झेल लेगा इसका। काट के रखना पड़ता है इसको, क्योंकि ये ना ना कभी इसमें कीड़े काड़े हो, तो कभी कीड़े से इसके अंदर ही। ज़्यादा ठंडा पानी था, चाबी छान रही है।
है कि नहीं है। चल गर्म है ना। रोहित का तो आने हूँ। मैंने नहीं पता।
काट के भुनना चाहिए, वरना इसमें कीड़े होते हैं। ऊपर से सुंदर होता रहा, अंदर से इसमें कीड़े होते हैं। काट कर फिर ही इसको और शेयर करें। तो गाइस अभी मौसम खराब हो रखा था, ये देखो बारिश आने वाला मौसम हो रखा है, तो अभी मेरे ख्याल से आंधी वगैरह भी आएगी। तो ये मैं अभी शूट कर रहा था, मम्मा सो रहे थे, तो मैंने सोचा इस ब्लॉग को मैं शूट कर लेता हूँ थोड़ा सा, तो बड़ा है